लेह में ये जो हमारा जो हिस्टोरिकल पोलो ग्राउंड है, इस पे आज एक बहुत बड़ा एक मेगा पीस रैली का यहाँ पे आज ऑर्गेनाइज किया गया, और इसमें हमारे लद्दाख के और लेह के हमारे जितने भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन, लद्दाख गुनपा एसोसिएशन, अंजुमन इमामिया, अंजुमन मोइनुल इस्लाम, क्रिश्चियन एसोसिएशन, बीजेपी पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इन सबके सबको सबके साथ मिलकर आज यहाँ पे एक रैली हमने ऑर्गेनाइज किया। और इस रैली का ऑर्गेनाइज करने का मकसद जो था, ये हमारे लद्दाख को जब 5 अगस्त को हमारे पार्लियामेंट में जब लद्दाख को अलग यूटी बनाने का डिसीजन हुआ, तो उसको लेके आज हम एक थैंक्स गिविंग टाइप का भी हमने ये सोचा है कि श्री नरेंद्र मोदी जी और श्री अमित शाह जी को हम थैंक्स कहेंगे, क्योंकि हमारा 70 साल का डिमांड जो है वो पूरा हुआ है। और साथ साथ में ऐसी काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जिनको लेके लोगों में थोड़ा सा एप्रीहेंशन है, लोगों में थोड़ा कन्फ्यूजन है, जैसे कि हमारे लद्दाख को जब प्रोटेक्शन नहीं है अभी फ़िलहाल के लिए, और लद्दाख को कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड देने के लिए हमने आज का ये रैली यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया है। और इसमें हमें जैसे खासकर हमारे लैंड को लेके, हमारे जॉब रिजर्वेशन को लेके, हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन के लिए, हमारे कल्चर आइडेंटिटी के प्रोटेक्शन के लिए, हमारे जॉब प्रोटेक्शन के लिए, ये सारा हमने आज कोई 15 पॉइंट हमने इसमें बनाया है। और इसमें जो मेन 5 पॉइंट है वो हमारा लैंड, लैंग्वेज, कल्चर, आइडेंटिटी।